मैं इसी से सर आप हमारा थंबनेल देख के मेरे लाडो समझ गए होंगे कि आज जो ट्रिक है आपसे को है ना हड़प्पा से रिलेटेड है। किससे? हड़प्पा से। तो हम ट्रिक की ओर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक है हृदय में राम, बहुत आसान है। हृदय में कौन है? राम जी है। हृदय में राम, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हृदय में राम। क्या पता ट्रिक? हृदय में राम, तो हृदय से याद रखिएगा, हड़प्पा की खोज करता रास है। ये राम है ना, तो देखिए एक नाम है खोजकर्ता में, दया राम साहनी ने किया था। दया राम साहनी ने किया था, ठीक है। और याद रखिएगा, खोज वर्ष जो था 1921 में था। थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। तो याद रखिएगा मेरे लाडलो, हड़प्पा जो सभ्यता थी ये एक प्राचीन सभ्यता थी। कौन सा सभ्यता बताएं? प्राचीन सभ्यता थी, ठीक है। इसी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता। पूछता एग्जाम में कि ये जो सभ्यता था किस प्रकार के, इस सभ्यता में युग चला था, तो ये जो युग था कांस्य युग। कांसा का जो सबसे अधिक प्रचलन हुआ था ना मेरे लाडलो, तो हड़प्पा की सभ्यता से ही हुआ था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से ही हुआ था। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।